नमस्कार दोस्तों, सत्ताराम देवासी ने आरएलपी पार्टी को छोड़ा तो कुछ ही बाद एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें लोगों ने कहा कि सत्ताराम देवासी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। ऐसे में क्या ये सच है, क्या ये अफवाह है, आइए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, सत्ताराम देवासी ने आरएलपी का दामन तो छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें सिवाना से टिकट नहीं मिला था, और साथ ही साथ उनका कहना था कि देवासी समाज में किसी भी व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को इस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो मैं इस पार्टी को हमेशा के लिए अलविदा कह रहा हूँ। सत्ताराम देवासी का कहना था कि मैंने समाज को पार्टी से जोड़ने का 5 साल खूब मेहनत की, समाज को भी जोड़ा, लेकिन उसका नतीजा मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं अब इस पार्टी में नहीं रह सकता। इसके बाद में एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें सत्ताराम देवासी कांग्रेस के नेताओं के साथ में फोटो होती है, जिसके बाद में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सत्ताराम देवासी ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर दिया। सत्ताराम के साथ फोटो में मानवेंद्र सिंह जो कि सिवाना से प्रत्याशी है, भंवर लाल जी देवासी जो कांग्रेस के नेता हैं, वो साथ में दिख रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें चलने लगी कि सत्ताराम देवासी ने किया, तो उन्होंने खुद ऑफिशियली अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दिया कि मैंने कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, बस कांग्रेस के नेता मेरे घर पर आए थे जो सिवाना से प्रत्याशी थे। मुलाकात की तस्वीर है, आत्मीय मुलाकात है, मैं किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करता। जिसके बाद में सत्ताराम ने ये अपने फेज पर ये ऑफिशियली पोस्ट डाली है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर झूठ और अफवाह है कि सत्ताराम जी ने अभी तक कोई भी पार्टी यानी कि कांग्रेस को ज्वाइन नहीं किया है। राजनीतिक गलियारों की सारी खबरें, पल पल की जानकारियां आप देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो जरूर करें ताकि तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट मिले आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर। तो मिलूंगा फिर से, धन्यवाद, आपका दोस्त कर्ण देवासी।